हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सेवास किचन। दोस्तों, आज की रेसिपी रियल ऑथेंटिक पंजाबी डिश पनीर बटर मसाला। घर में कैसे पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो पहले दोस्तों कढ़ाई लेंगे, उसमें दो मीडियम साइज के प्याज को 4 पीस करके कढ़ाई में डालेंगे और 3 मीडियम साइज के टमाटर काट के इसमें डालेंगे। 1.5 कप पानी इसमें डालेंगे दोस्तों। इसमें 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन के क्यूब डाल के दोस्तों इसको अच्छे से, 3 टेबलस्पून काजू हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। पूरे टमाटर प्याज पकने तक स्मूथली पक जाना चाहिए। देखिए 10 मिनट के बाद ये पक चुका है। अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। फाइन पेस्ट बना लीजिए, देखिए एकदम फाइन है। अब कढ़ाई बिठाएंगे दोस्तों, इसमें 3 टेबलस्पून बटर हम डालेंगे। बटर गर्म होने के बाद 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। अगर ये लाल कलर देता है, ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, आपके पास अगर कश्मीरी लाल पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर भी यूज कर सकते हो। और अब इसमें हम जो पेस्ट बना के रखे थे उसको हम डाल के अच्छे से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। हाँ दोस्तों, आपका जो घर वाला चिल्ली पाउडर है उसको थोड़ा कम करके डालिए। देखिए 10 मिनट के बाद ये तैयार है। अब इसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल के अच्छे से इसको मिलाएंगे दोस्तों। 1 टीस्पून शुगर इसमें डाल दीजिए और अच्छे से 10 मिनट के लिए इसको पकाइए। देखिए 1 कप पानी हम इसमें डाल के अच्छे से 10 मिनट के लिए पकाइए दोस्तों इसको। दोस्तों और कसूरी मेथी आप स्किप मत कीजिए, उसी से ही पूरा आरोमा और टेस्ट आता है। 10 मिनट के बाद देखिए 250 ग्राम फ्रेश पनीर को जो कटा हुआ इसमें डालेंगे। अच्छे से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे दोस्तों। देखिए 3 मिनट के बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम 1 टेबलस्पून डालेंगे। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध 2 टेबलस्पून डाल सकते हो। डालने के बाद इसमें 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। रेडी है दोस्तों आपका पनीर बटर मसाला। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप भी घर में बनाइए, आप खाइए, आपका फैमिली वाले को खिलाइए। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बाजू वाला बेल आइकन दबाइए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों।